नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GSV दरुण में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 25 अक्टूबर 2018 के पेपर के बारे में। देखिए दोस्तों, 25 अक्टूबर को जो है यूपी पुलिस का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, ठीक है, यानी कि जो 3 से 5 शिफ्ट ही। तो आज हम उस पेपर के, उस परीक्षा के जो है जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, यानी कि हम उसका सामान्य अध्ययन का यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैं दोस्तों उन बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जिसका 25 अक्टूबर 2018 को एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसान था। और ये पता है जिन बच्चों ने मेहनत की है, ठीक है, उनको पता है कि एग्ज़ाम जो है कितना आसान है। और देखिए, आने वाली 26 तारीख को जो है बच्चों का पेपर है, दूसरा पेपर है, ठीक है। मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मेहनत करिए ताकि आने वाले, यानी कि आपका जो है अधिक से अधिक बच्चों का इस पेपर में, इस परीक्षा में सलेक्शन हो सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के परीक्षा का जो है सामान्य अध्ययन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टिन लगाड़े किस देश से संबंधित हैं? तो देखिए, क्रिस्टिन लगाड़े जो ये महिला हैं और ये फ्रांस देश से संबंधित हैं, यानी कि ये फ्रांस की हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, अगले पेपर में, यूपी पुलिस के नेक्स्ट पेपर में इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 99% इससे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वर्तमान में उसके सदस्य जो देश हैं वो 189 है, ध्यान रखना दोस्तों, 189 इसके सदस्य देश हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF भी बोल देते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC USA में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वाशिंगटन DC USA में इसका हेड ऑफिस है, मुख्यालय है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1944 में IMF की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है, यानी कि इससे आने वाले यूपी पुलिस की परीक्षा में इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो दोस्तों इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर है थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट यानी कि हमारे ब्लड में जो है, आपने सुना होगा कि प्लेलेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। और प्लेलेट्स को बिंबाणु भी बोलते हैं, और बिंबाणु को या प्लेलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल देते हैं। तो ये काम करता है रक्त का थक्के को जमाने में, ठीक है, उसमें सहायक होता है। तो सही आंसर रहेगा थ्रोम्बोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 3, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है युग्मज, युग्मनज, ठीक है। तो इसका ए आंसर सही है, युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 4, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है, यानी कि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 20, 60 से 75 प्रति मिनट होती है आराम करते समय, ठीक है। और लेकिन अगर व्यायाम या कसरत या मेहनत का कार्य करते समय बात करें, ठीक है, तो उसमें 80 से 120 प्रति मिनट जो है इसकी नाड़ी दर पहुंच जाती है, लेकिन आराम करते समय 60 से 75 के बीच रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वयस्क इंसान सामान्यतः रूप से 24 घंटे में लगभग एक से कितना मूत्र विसर्जित करता है? तो देखिए, इसका सही आंसर आएगा 1 से 1.8 लीटर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया था? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को, ठीक है। और ये जो है भारत की पहल से, भारत सरकार की पहल से मनाया जाने लगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका बी आंसर आएगा डोइजी एंड डेम, डोइजी एंड डेम को जो है 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार
दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9। इन शाइड आई बी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मास, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएगा सही, के शाकरान नायर। सी ऑप्शन है, के शाकरान नायर। क्वेश्चन नंबर 10। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने में एक साथ शक्ति प्रदान की? तो देखिए इसका सही है ए ऑप्शन, 101वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। देखिए यहाँ पे जीएसटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जीएसटी की बात कर रहे हैं। तो जीएसटी बिल जो है 101 संविधान संशोधन के तहत जो ये लागू किया था 2014 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे यह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः कहते हैं? तो देखिए इसका जो ऑप्शन आएगा, इसका आएगा ए ऑप्शन ट्रोजन हॉर्स, ए ऑप्शन ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 12। जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो देखिए मेरठ से है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आने वाली परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, ध्यान रखना। एशियाई खेलों में भारत के लिए सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं सौरभ चौधरी, और इन्होंने किस में जीता है? शूटिंग में, निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए भी हाल ही में 2018 में। तो ये किस शहर से संबंधित है? तो मेरठ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर आता है कल्याणी। देखिए कैन, बेतवा और चंबल जो है यमुना की सहायक है, तो इसमें कल्याणी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? देखिए इसका वैसे जो इसमें वैसे उत्तर में इसके कन्फ्यूजन है, लेकिन 99% जो इसका आता है वो बहराइच है, ठीक है, 99% बहराइच है, लेकिन अभी इसमें कन्फ्यूजन है, 100% इसका आंसर कोई आंसर सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसमें सी ऑप्शन आएगा महोबा। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है का संग्रहालय में संरक्षित है, ठीक है, तो कहाँ, यानी कि जो अशोक स्तंभ लिया गया है, शेर का मुख लिया गया, तो कहाँ पे? ये सारनाथ में, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को यानी कि प्राचीन में चंदेल वंश के दौरान जो जयजाग भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था, तो इसका सही आंसर आएगा बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, तो उस यानी कि पत्रिका का नाम क्या था, है ना? तो पत्रिका का नाम था बाल बोधनी। इसका ए ऑप्शन सही है, बाल बोधनी। क्वेश्चन नंबर 19। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है इटावा। क्वेश्चन नंबर 20। तीसरी बौद्ध संगीति या परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर आएगा पाटलिपुत्र। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे यानी कि बौद्ध संगीति पूछी है, तो आने वाली परीक्षा में यू पुलिस के दूसरे पेपर में बौद्ध संगीति से रिलेटेड प्रश्न दे सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरी जो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे इसके? मोगलीपुत्र थे। और किस शासक ने कराई थी? ये अशोक ने कराई थी, सम्राट अशोक ने इसका आयोजन कराया था। दोस्तों ध्यान रखना, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में होगी, और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष
की गई थी। तो इसका सही आंसर है 1935। ध्यान रखना दोस्तों, 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे सर ऑस्बोर्न स्मिथ थे, और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं उर्जित पटेल हैं। ये आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, चेमाचेरी कुन्हीरमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो उसका सही आंसर है कथकली। क्वेश्चन नंबर 23, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी थी? तो देखिए इसका सही आंसर है प्रथम, ठीक है, ए प्रथम स्थान रहा है भारत का। क्वेश्चन नंबर 24, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा 6.8%, ए आंसर 6.8%। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसमें आएगा भाग दो, ठीक है, भाग दो नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखना, दूसरे पेपर में परीक्षा में पूछ सकता है, किसी भी भाग से रिलेटेड पूछ सकता है, कौन सा भाग किस कौन सा कानून आता है, ठीक है, कौन से भाग में कौन सा कानून आता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहले भाग में आता है संघवे राज्य क्षेत्र, दूसरे में आता है नागरिकता, तीसरे में आता है मौलिक अधिकार, चौथे में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और पांचवे में आता है केंद्र सरकार, ठीक है। तो इन पांच तक इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से, यानी कि कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? तो देखिए 14 वर्ष, आपको पता है कि बाल श्रम अपराध है, तो कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करा सकते? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करा सकते। और ये भारत संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है। देखिए दोस्तों, मैंने आज ही एक सुबह जो वीडियो अपलोड की थी जो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के सामान्य ज्ञान से संबंधित थी, ठीक है, ये क्वेश्चन उसी में दिया गया है। उसमें दूसरा क्वेश्चन है और उस जो मैंने वीडियो डाली थी उससे तीन क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपके पेपर में मिले हैं और ये उसी में से एक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका देखिए आंसर आएगा बी अनुच्छेद 55। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो इसका सी जो इसका सही आंसर आएगा वो है सी एम अनंत श्यानम अयंगर। ये पहली लोकसभा के प्रथम उपसभापति या उपाध्यक्ष रहे थे, ठीक है, एम अनंत श्यानम अयंगर। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो देखिए इसमें आता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो ऑप्शन बी सही है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 30, सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर आता है हमहा। सीरिया की राजधानी है हमा, यानी कि डी ऑप्शन। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आएगा कयात, यानी कि म्यांमार की जो मुद्रा है उसको कयात कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसमें बी ऑप्शन सही आएगा, नाइजीरिया। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उससे उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो देखिए इसमें जो आएगा इसका जो सही आंसर है, देखिए सही वैसे इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन 99% जो सही आंसर आना चाहिए इसका वो हेती आना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन इसका 99% आंसर होना चाहिए, लेकिन अभी इसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है। देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन में मैंने कन्फ्यूजन बता दिया, 99% यानी कि 100% इनका आंसर श्योर नहीं है, 99% ही मैं श्योर हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे इनके आंसर का श्योर पता लगता है, मैं श्योर होता हूँ, तो मैं अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है इनका आंसर डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखिए इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। देखिए कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, लेकिन दक्षिण भारत की जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही आंसर आएगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 35, मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? तो इसका सही आंसर आएगा सी, बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर 36, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो ग्रेहाउंड, उसका नाम है ग्रेहाउंड। क्वेश्चन नंबर 37, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया थे? तो देखिए इसका सही आंसर है 1972। क्वेश्चन नंबर 38, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? तो देखिए इसका सही आंसर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यानी कि हाल ही में 2018 में अभी नाबार्ड ने जो है अपना जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो दोस्तों ये थे 25 अक्टूबर 2018 की यूपी पुलिस परीक्षा के 38 सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। और ये सॉल्यूशन आप देख लेना, यानी कि किस बच्चे के कितने सामान्य अध्ययन में कितने प्रश्न बैठते हैं आप चेक कर लेना। और दोस्तों ध्यान रखना, दो जो क्वेश्चन मैंने कन्फ्यूजन वाले बताए हैं मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दे दूंगा, जैसे मुझे उनके आंसर का श्योर यानी कि 100% में उसके आंसर का श्योर होता हूं तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। और जिन बच्चों का आने वाले 26 तारीख को एग्जाम है उनके लिए मैं शुभकामनाएं करता हूँ, ठीक है। आने वाले यानी कि जो उनकी परीक्षा है काफ़ी अच्छी परीक्षा हो, उनका जल्दी से जल्दी सलेक्शन हो, ठीक है दोस्तों। चलिए लगे बने रहिए लगातार मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।